हम खड़े हैं मंडी लोकसभा क्षेत्र के तहत पड़ने वाले कुल्लू विधानसभा क्षेत्र में। पर्यटन की दृष्टि से ये क्षेत्र जहां मशहूर है, वहीं फल व सब्जी उत्पादन में भी ये अग्रणी है। आइए हम बात करते हैं यहां के लोगों से कि वे आने वाली सरकार व सांसद से क्या अपेक्षाएं रखते हैं। मंडी संसदीय क्षेत्र के तहत आने वाली कुल्लू विधानसभा की आबादी करीब 2 लाख है, जिनमें से करीब 1 लाख मतदाता इस बार संसदीय चुनाव में अपने मताधिकार का प्रयोग करेंगे। हमारे संवाददाता ने क्षेत्रवासियों से उनकी मांगों व उम्मीदों को लेकर उनके विचार जानने का प्रयास किया। व्यापारी वर्ग से संबंधित राकेश कोहली जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कार्यकाल के दौरान लिए गए फैसलों से संतुष्ट नजर आए, और साथ ही उन्होंने ये भी माना कि GST से व्यापार में पारदर्शिता आई है। वहीं दूसरी ओर वे ये भी उम्मीद करते हैं कि सीमेंट और बिजली पानी के दाम कम होने चाहिए। नई केंद्र सरकार को वे देश हित को सर्वोपरि मानने वाली चाहते हैं। GST से व्यापार में पारदर्शिता आई है, सरकार से हम ये उम्मीद रखते हैं कि ये सीमेंट के दाम कम करें, बिजली पानी के दाम कम करें, यही हमारी इनसे उम्मीद है। होटल व्यवसायी शिशु अवस्थी का कहना है कि कीरतपुर नेरचौक राष्ट्रीय राजमार्ग की हालत खस्ता है और इस पर संतोषजनक कार्य नहीं हुआ है। हालांकि वे मानते हैं कि कुल्लू मनाली सड़क की हालत बेहतर है। जो चंडीगढ़ से सड़क बनी है नेरचौक से लेकर कीरतपुर तक की, उसमें कोई भी कार्य नहीं हुआ इन 5 वर्षों में, और काफ़ी दुर्दशा है उस सड़क की। लेकिन उसमें साथ में ही थोड़ा उसका यदि आप पॉजिटिव आप साइड लें तो कुल्लू मनाली रोड की दशा बहुत तेजी से सुधर रही है और लोगों को बहुत सुविधा हो रही है। कुल्लू निवासी भूपेंद्र शर्मा कूड़े की समस्या का स्थायी समाधान और फल प्रबंधन के उचित इंतजाम की मांग कर रहे हैं। मेरे विचार में जो कुल्लू इसमें समस्या फेस कर रहा है वो मेन है कूड़े की। कूड़े का प्रबंधन जो है इसमें बिल्कुल नहीं हो रहा है। वो हर वार्ड में उसके ढेर लगे हुए हैं और अथॉरिटीज़ जो हैं आश्वासन पे आश्वासन दे रही हैं, लेकिन इसका कोई हल नहीं निकल रहा है। कुल्लू के ही उमेश बेरोजगारी व महंगाई की समस्याओं का समाधान देने वाला सांसद चाहते हैं। वो बेरोजगारी के बारे में सोचे, महंगाई पर काबू होना चाहिए और शिक्षा और स्वास्थ्य से संबंधित काम होने चाहिए और सड़कों वगैरह का जो परिस्थिति खराब है उसको ठीक किया जाए। पर्यटन व्यवसाय से जुड़े लोगों का यही कहना है कि 4 लेन से जुड़े काम जो है वो जल्द हों ताकि पर्यटन पर इसका विपरीत असर न पड़े। वहीं किसान बागवान यहां पे अपने लिए कोल्ड स्टोर इत्यादि की सुविधा चाहते हैं। DD News शिमला के लिए कुल्लू से आशीष शर्मा।